हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स, ऐप एंड ऑनलाइन सोर्सेज रहेंगे जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करेंगे आपको, वेदर इट इज़ पीओ एंड क्लर्क। सो एग्ज़ाम लेवल भी आपका वेरी करता है सारी पोस्ट के लिए, सो उस हिसाब से मैं आपको बुक रिकमेंड करूँगी। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। सो कोशिश करें कि वीडियो को स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा वो इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। सो पहले मैं बात करूँगी द हिंदू ऐप। तो इसमें एडिटोरियल का सेक्शन आता है, इसी से आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो लेट मी शो यू। इसमें पहला जो सेक्शन है एडिटोरियल लिस्ट, तो इसमें से ही आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इनको स्किप ना करें, ठीक है। तो डेली आप अगर दो आर्टिकल भी पढ़ते हो तो आपके काफ़ी सारे एडिटोरियल के आर्टिकल कवर हो जाते हैं, तो इसी से आपकी आधी प्रिपरेशन हो जाती है। वो कैब भी इसमें है, तो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। क्विज़ ऑफ द डे, जैसे कि इसमें क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डेली उसके, तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हो। सारे सेक्शंस इंक्लूड हैं। देन हम बात करेंगे इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा वन लाइनर का। सो वन लाइनर आपके जितनी भी रीसेंट न्यूज़ होती हैं उसमें जितना भी स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, तो यहाँ पे सारी की सारी न्यूज़ वन लाइनर में कवर की जाती हैं, तो आप इनको ज़रूर रीड करें। और यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे ईडियम्स भी हैं, तो इनको भी आप पढ़ते रहो, कभी कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी हो गई ऐप की बात, तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। एंड अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये आपकी एसपी बख्शी की बुक रहेगी। ये आपकी ग्रामर सेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको पूरी रीड करें तो आपको सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे जितने भी बैंकिंग में यूज़ होते हैं। सो ये आपके बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट जो बुक रहेगी फ्लिंट टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की है, तो ये बहुत ईजी लैंग्वेज में है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो आप इस बुक को ले सकते हो। देन आपका है वर्ड पावर मेड ईजी, तो ये आपकी वोकैब के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, तो जो भी आपको वोकैब में दिक्कत आती है तो आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांट की। सो क्वांट में पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी किरण पब्लिकेशन, क्यों? क्योंकि इसमें सारे जितने भी पीओ लेवल पे के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब के सब इसमें आपको मिल जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। बाकी अगर बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले बेसिक के लिए आप अड्डा की बुक ले सकते हो। एंड अगर आपका बेसिक्स अच्छा हो गया है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो, अरुण शर्मा की क्वांटम एप्टीट्यूड कैट की बुक है ये, ठीक है। तो ये आपका जनरली पीओ लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है, राइट। सो अब हम बात करेंगे पीओ सेक्शन में जो आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन आता है, उसके लिए कौन सी अच्छी बुक है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड ऑलिव वुड की ये बुक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो ये भी आपको हेल्प करता है। इसमें DI एंड DS दोनों हैं। नेक्स्ट जो बुक आती है आपकी वो आर्यन पब्लिकेशन DI एंड DS, तो इन दोनों बुक में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में ही आपके शॉर्ट ट्रिक्स दी हैं, दोनों में ही आपको बहुत इजी वे में आप समझ जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर वाइज। अगर आपको थोड़ा हाई लेवल पर प्रैक्टिस करना है फॉर PO लेवल SBI PO, तो आप इसको ले सकते हो। अरिन शर्मा की ये बुक है क्वांटम कैट डेटा इंटरप्रिटेशन की, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, राइट। अब हम बात करेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में अगर आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आप पहले अड्डा की बुक यूज़ करो, एस रीजनिंग। इसमें सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है ये। एंड देन पजल मेनिया आप यूज़ कर सकते हो, ये ऑलिव वुड की है। अगर आपको ये बुक नहीं लेनी है तो मैं रिकमेंड करूँगी आप ऑनलाइन क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो अपडेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी अगर आपको बुक लेना है तो आप इन दोनों बुक में से कोई एक बुक ले सकते हो। ये अड्डा की बुक है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, राइट। तो इन दोनों को आप ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट।
सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो इसमें दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कोरिंग पार्ट आ जाता है, शॉर्टकट कीज़ एंड एब्रिविएशंस। तो इन दोनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इसको रीड करिए। 2 से 4 क्वेश्चंस आपके, मतलब ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं आप इस बुक से कवर कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी गिवन है, तो आप इसको ज़रूर ले लें। अगर आपको बुक नहीं लेना है तो मैं ऑनलाइन पीडीएफ आपको लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें और अपनी कंप्यूटर की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। एंड कोशिश करें कि क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे देना है क्विज़, कहाँ से देना है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो वीडियो को स्किप मत करना। सबके लिए मैं क्विज़ बताऊँगी, कहाँ से अटेंड करना है, कैसे करना है, मॉक टेस्ट कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं कंप्यूटर के लिए। अगर आपको बुक नहीं लेना है तो पीडीएफ आप ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है इसमें 3 चीज़ें आती हैं, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड आपका आता है करंट अफेयर, राइट। सो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के लिए आप पढ़ सकते हो letstudy.com की लिंक मिल जाएगा आपको, पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी मैं, जितने भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में सब आपको वहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना है। डेली बेसिस पे अफेयर्स क्लाउड पे आप न्यूज़ आती हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट भी नीचे आता है, तो आप इसको ज़रूर रीड करें, ठीक है। मंथली कैप्सूल भी आप उनका ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और द हिंदू न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हो अपने डेली न्यूज़ के लिए, राइट। अब बात कर लेते हैं, देखिए अफेयर्स क्लाउड की मैं आपको दिखा देती हूँ वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हो आप करंट अफेयर 30 जुलाई 2021 का, राइट। अगर आप इसमें देखोगे तो पूरी जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको कवर कर रखी है यहाँ पे। देखिए आपको दिख रहा होगा कैबिनेट को लेके, जो आपकी कैबिनेट अप्रूवल ऑन July 28, 2021, ठीक है। जितने भी नेशनल अफेयर हैं इनकी न्यूज़ दे दी। देन इसके बाद इनके जो बेसिक्स पार्ट होते हैं ना नीचे सेक्शन में, ये दे दिए। अब देखो मिनिस्ट्री को लेके कोई न्यूज़ है तो अबाउट मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर कौन है, MOS, ये सारी चीज़ें देखिए नीचे आपको दे रखी हैं, ठीक है। किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई न्यूज़ आई है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन होती हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आई है, फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आई है, तो हर एक सेक्शन की इसकी न्यूज़ इसमें कवर की जाती है। तो आप इससे ज़रूर रीड कर सकते हो, अपने डेली का करंट अफेयर तैयार कर सकते हो इससे। और देखिए यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी अलग से सेक्शन है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो की पॉइंट्स भी दे रखे हैं अबाउट यस बैंक, अगर यस बैंक की कोई न्यूज़ है तो यस बैंक के बारे में भी आपको बताया गया है की पॉइंट्स में, ठीक है। देन आपके बाद देखिए RBI की कोई न्यूज़ है तो उसमें सारी चीज़ें इसमें कवर हैं, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो डेली बेसिस पे, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक जीके का पार्ट। तो स्टैटिक जीके का पार्ट मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ, letstudy.com। यहाँ से आप क्या करोगे, जितना भी आपका स्टैटिक पार्ट आता है, हेडक्वार्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, नेशनल पार्क मर्जर्स और आपके लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं स्टैटिक जीके के पार्ट में, सबके आपको लिंक मिल जाएंगे पीडीएफ के। आप जाके ओपन कीजिए, इनको रिवाइज कर सकते हो लास्ट टाइम पे। कई बार क्या होता है पूरी न्यूज़ हम कवर कर लेते हैं डेली बेसिस पे, नोट्स भी बनाते हैं तो मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, आप डायरेक्टली पीडीएफ देख के अपना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए सबके लिंक दे रखे हैं, लिस्ट ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडिया, और यहाँ पे देखिए ये हेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
तो इनके हेडक्वार्टर्स भी दिए गए हैं, तो आप सबको ओपन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको ओपन करके दिखा दिया। सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप किसी ऑनलाइन चैनल को फॉलो करते हो यूट्यूब पे तो आप उसको भी कर सकते हो, या आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है। मंथली कैप्सूल आपको मिल जाएंगे अफेयर्स क्लाउड के, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ग्रेटअप की ऐप, मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ से लेने हैं। तो देखिए ग्रेडअप की ऐप है, ऊपर के सेक्शन पे देखोगे तो प्रीवियस ईयर पे जाना है आपको। यहाँ से आपको बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी आपको पेपर्स चाहिए, एसबीआई के, आईबीपीएस के, आरबीआई के, ये सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आप इनको टाइमिंग के साथ सॉल्व भी कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद एक सेक्शन चूज़ करना है कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक के, इंश्योरेंस के लिए, एसएससी के लिए, या फिर रेलवे के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, एंड आपको ये सारे क्विज मिल जाएंगे इसमें डेली अटेंड करने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी जो करंट अफेयर है तो ये भी इसमें डेली आता है, डेली जीके का पार्ट वो लोग अपलोड करते हैं, तो आप इनको भी डेली बेसिस पर जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश के सेक्शन पे अगर मैं जाऊँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए क्लोज टेस्ट का पूरा मेरे पास पूरा पैराग्राफ आ गया, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे डेली बेसिस पे, जो अपडेटेड करंट अफेयर होते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो किसी भी क्विज को लेके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अड्डा की ऐप। तो अड्डा की ऐप को आप क्या करना है, ओपन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी रहेगी अड्डा की ऐप, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप है, इन दोनों में ऐप में से आप कोई सी भी ऐप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें भी आपके देखिए काफ़ी सारे सेक्शंस इंक्लूड हैं, करंट अफेयर, डेली क्विज, एंड आपका प्रैक्टिस नोट्स, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। डेली क्विज इसके अटेंड कीजिए, इसके डेली क्विज काफ़ी अच्छे होते हैं बैंकिंग के लिए, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सेम वैसा ही है जैसा ग्रेडअप में है। ठीक है, चैप्टर बेस्ड आपके डेली क्विज इसमें आते हैं, बाकी इसमें करंट अफेयर का भी सेक्शंस आता है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों ऐप में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ये दोनों ही बहुत अच्छी ऐप हैं। बाकी अगर आपको डेली न्यूज़ पढ़ना है तो आप अड्डा की न्यूज़ से पढ़ें, और क्विज़ आपको अटेंड करनी है तो अड्डा की ऐप से करें, और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप ग्रेडअप पे जाएं। ठीक है, तो ये दोनों ऐप बहुत अच्छी हैं। मॉक टेस्ट आप दोनों के प्रेफर कर सकते हो, ग्रेडअप के भी अच्छे हैं और अड्डा के भी अच्छे हैं, ये दोनों ही अपडेट मॉक टेस्ट लाते हैं। जितना भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, जितने भी ईयर बाय ईयर आपके एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उस बेसिस पे ही अपने मॉक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो आप ये दोनों ऐप यूज़ कर सकते हो, बाकी इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें कवर हो रखी हैं, आपकी पावर कैप्सूल्स में मिलते हैं इसमें, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो अपने मंथली बेसिस पे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसी और भी वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। और जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड आपकी अपडेट आती है मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उनको भी जाके चेक कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।